नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और इस हमारी इस जीके जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्लास के दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, पहले बच्चों को लिख करते हुए समझा दिया जाता है और उसके बाद बच्चों की हाजिरी में ही ये वीडियो बनता है, तो इससे बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हम यहाँ पे पढ़ाएं, लगभग 75% तो उनको यहीं पे तैयार हो जाना चाहिए। यदि उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो हमारी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। चलिए, हमारा आपका सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? भारत का भूगोल चल रहा है। और हमारी क्लास कौन सी है? 20वीं क्लास है ये। और आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक, बहुत छोटे टॉपिक हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बनडे एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक टॉपिक तो हमारा है नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर। तो बहुत सारे नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इससे क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी नदी किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। और फिर हम बात करेंगे पर्वतीय नगर की, तो पर्वतीय नगर किस, उनकी लोकेशन क्या है, किस राज्य में कौन सा पर्वतीय नगर है, इससे भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए, हमारी इस जीके जीएससी क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर। तो जनरली किताब में क्या मिलता है कि हर नगर और नदी अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सुविधा की दृष्टि से नदी का नाम लिखा है और उस नदी के किनारे जो जो भी महत्वपूर्ण नगर आपके बसे हुए हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए, हम पहली नदी लेते हैं आपकी यमुना नदी, फेमस नदी है हमारी। तो यमुना नदी किनारे जो है वो 2 नगर हैं आपके, और एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। तो पहला तो आपका कौन सा है? दिल्ली है। और दूसरा कौन सा है? आगरा। तो दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा आपके जो है वो 2 महत्वपूर्ण नगर हैं जो किस नदी किनारे बसे हुए हैं आपके? यमुना नदी किनारे। फिर आपका गोमती नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है लेकिन एग्ज़ाम में आती है आपका। तो गोमती नदी किनारे कौन सा नगर है आपका? लखनऊ है ना। तो गोमती नगर किनारे आपका कौन सा नगर है आपका? लखनऊ। लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है, है ना। फिर हम बात करते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, है ना। तो सरस्वती नदी यद्यपि विलुप्त हो गई है लेकिन अभी भी उसको मान्यता के रूप में माना जाता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर जो है वो हमारा एक नगर बसा हुआ है, फेमस नगर है। तो वो कौन सा है आपका? इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज। फिर हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी के किनारे एक ही नगर, बहुत महत्वपूर्ण नगर है, वो है आपका गुजरात का नगर है। कौन है? सूरत। गुजरात का नगर कौन सा है आपका? सूरत। फिर यहाँ पे गंगा नदी किनारे काफ़ी नगर हैं, तो हमने केवल कुछ चयनित नगरों को जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं उन्हीं को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कौन कौन से हैं आपके? वाराणसी है आपका, फिर आपका भागलपुर है, फिर आपका कानपुर है, पटना, हरिद्वार और इलाहाबाद। तो ये सभी नगर जो हैं वो हमारी गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। फिर अगली हम बात करते हैं किस नदी की? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी किनारे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है विजयनगर, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जो है वो एक है आपका साकोबा घाट और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो ये दोनों आपके एग्जाम में काफ़ी आ चुके हैं ये कि डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है या गुवाहाटी जो है असम का किस नदी के किनारे है। फिर ये क्वेश्चन आपका आर्मी में आ चुका है कई बार, मूसी। तो मूसी नदी किनारे कौन सा है आपका? हैदराबाद। कौन सा है आपका? हैदराबाद। फिर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। तो स्वर्णरेखा नदी किनारे कौन सा है आपका? जमशेदपुर। कौन सा है आपका? जमशेदपुर। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी किनारे बहुत सारे नगर हैं, जब हम एमपी जीके पढ़ेंगे तो उन नगरों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस नगर है वो आपका कौन सा है? जबलपुर है ना। कौन सा है? जबलपुर। फिर ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि चंबल नदी किनारे कौन सा नगर है। तो चंबल नदी किनारे एक राजस्थान का है आपका कोटा, ये नगर जो है वो चंबल नदी के किनारे है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली नदी आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। और इसके किनारे कौन है? कर्नूल। कौन है आपका? कर्नूल। फिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आया है कि साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी किनारे कौन सा नगर है आपका? तो कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर छिप्रा नदी किनारे, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहा है क्योंकि उज्जैन जो है काफ़ी समय से चर्चा में है। तो कौन सा नगर है आपका छिप्रा नदी किनारे?
उज्जैन। फिर हम बात करते हैं सतलुज नदी की, तो उसके किनारे कौन कौन से नगर हैं, तो एक तो आपका हरियाणा का लुधियाना है और आपका दूसरा कौन सा है, फिरोजपुर। तो लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी किनारे हैं, सतलज नदी के किनारे। फिर हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी, ये भी क्वेश्चन आपके कई जगहों में आया है कि गोदावरी नदी किनारे कौन सा नगर है, तो नासिक। कौन सा नगर है, नासिक। फिर आपका आता है महानदी, तो महानदी किनारे कौन सा है आपका, एक तो आपका संबलपुर है और दूसरा आपका कौन सा है, कटक। ये आपका उड़ीसा में है, कटक कहाँ पे आपका, उड़ीसा में है। फिर ये आर्मी क्वेश्चन आपका आर्मी में कई बार आया है कि झेलम, झेलम नदी किनारे है आपका श्रीनगर, श्रीनगर जो है वो किस नदी किनारे है, झेलम नदी किनारे। फिर आप बात करते हैं कावेरी की, तो कावेरी कहाँ पे है आपका, कावेरी नदी किनारे कौन सा है आपका, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। फिर हम बात करते हैं सरयू की, तो सरयू नदी किनारे कौन सा महत्वपूर्ण नगर है आपका, अयोध्या है। फिर हम बात करते हैं अलकनंदा, बहुत प्यारा नाम नदी का, बहुत प्यारा नाम नदी का, बहुत प्यारा नाम है ये, तो अलकनंदा किनारे कौन सा है आपका, बद्रीनाथ। तो एक हमारा ये पर्यटक स्थल भी है और एक धार्मिक स्थल भी है। फिर हम बात करते हैं हुगली नदी की, तो हुगली नदी किनारे कौन सा है आपका, कोलकाता है ना, कोलकाता। तो ये भी एग्जाम में कई बार आया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है कि भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर, तो भारत में बहुत सारे पर्वत हैं और उन पे कई नगर हैं, तो इससे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा पर्वतीय नगर जो है वो किस राज्य में है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया उसने आपका कि नैनीताल ये किस राज्य में है, तो किस राज्य में है आपका, उत्तराखंड। तो इसमें भी हमने क्या किया है, पहले राज्यों को लिखा है और उसके बाद उस राज्य में जो जो महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जो एग्जाम में आते रहते हैं उनके बारे में हमने बताने का इस वीडियो में प्रयास किया है। तो चलिए हम चलते हैं, तो पहला हम लेते हैं आपका उत्तराखंड राज्य लेते हैं, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो एक तो मसूरी, मसूरी बहुत फेमस है ना। फिर आपका है अल्मोड़ा, ये भी फेमस है। फिर लैंसडाउन, फिर आपका है रानीखेत, फिर आपका है नैनीताल, और फिर आपका कौन सा है, भूबाली, भूबाली। तो कौन कौन से, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, नैनीताल और भोवाली। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के में कौन कौन से पर्वतीय नगर हैं, तो पहला शिमला है ना, फेमस है। फिर आपका मनाली, फिर आपका कसौली है, फिर आपका है कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी का दशहरा बहुत फेमस है ना। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आया है कि कहाँ का दशहरा बहुत फेमस है, तो कुल्लू घाटी का दशहरा बहुत फेमस है। फिर आपका मंडी है, फिर आपका डलहौजी है, और फिर आपका धर्मशाला है। तो ये कई बार एग्जाम में आया है और ये इस कारण से भी चर्चा में है ये आपका पर्वतीय नगर, क्योंकि यहाँ पे जो दलाई लामा है बौद्ध गुरु, उनको भारत ने शरण दे रखी है और यहीं पर उनका जो है वो निवास है, तो धर्मशाला में ही जो है वो दलाई लामा निवास कर रहे हैं, तो इसके कारण से ये चर्चा में रहा। MPPSC में भी एक क्वेश्चन आपका आया था कि धर्मशाला जो है वो कहाँ पर है, तो इसी कारण से क्वेश्चन आया था क्योंकि ये जो है दलाई लामा के कारण, उसी समय दलाई लामा यहाँ पर निवास करने लगे थे, तो दलाई लामा के कारण से ये फेमस में आया था। चलिए अगला हम राज्य कौन सा ले रहे हैं, तमिलनाडु ले रहे हैं, तो तमिलनाडु में आपका ऊटी, सुना होगा आपने है ना, ऊटी सुनते हैं, ऊटी एक पर्वतीय नगर है। फिर आपका कोडाई कनाल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है। फिर आपका है कुन्नूर, फिर आपका कौन सा है, कुन्नूर। तो कौन कौन से हैं, ऊटी, कोडाई कनाल और कुन्नूर। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर अब एक राज्य न रह करके क्या हो गया है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से पर्वतीय नगर हैं, तो पहला आपका है श्रीनगर है, फिर आपका कौन है, गुलमर्ग है, गुलमर्ग, और फिर आपका जो है वो पहलगांव, पहलगांव। फिर आपका पश्चिम बंगाल, केवल हमने एक दिया है इसमें एक पर्वतीय नगर, लेकिन काफ़ी फेमस है दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग। तो ये चाय के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पे चाय की खेती जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है। तो दार्जिलिंग आपका जो पर्वतीय नगर है वो किस राज्य में है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो कहाँ पे है आपका, पश्चिम बंगाल में। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में आपका जो गंगटोक फेमस है। फिर आपका महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में आपका जो है लोनावाला और खांडला, लोनावाला और खांडला है ना। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी कई पर्वतीय नगर हैं, लेकिन जो एक राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है वो कौन सा है आपका, पचमढ़ी। कौन सा है आपका, पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश में जो है वो पचमढ़ी पर्वतीय नगर है। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपके दो हैं, एक तो है आपका कैमानगुंडी और दूसरा है आपका नंदी हिल्स। कौन कौन से हैं,
केमानगुंडी और नंदी हिल्स। फिर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कौन सा है आपका, रांची है। और फिर हम ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है कि राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में कौन सा है, माउंट आबू है ना, माउंट आबू। तो माउंट आबू पर्वती नगर जो है कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। फिर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका मन्नार है, दूसरा आपका कौन सा है, पेरियार, मन्नार और पेरियार। फिर हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय का एकमात्र है ना जो फेमस है वो है आपका शिलोंग, शिलोंग। तो इस तरह से हमारे ये छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपके जो छोटे एग्जाम है इसे व्यापम है, आपका आर्मी है, आपका एसएससी जीडी वगैरह है, एमपी पुलिस है, तो इस तरह के एग्जामों में इससे निसंदेह रूप से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप देख लें और इसका लाभ उठाएँ। तो चलिए अगली क्लास हमारी कल होगी, तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।